ये हमने पता नहीं इसकी प्रॉपर स्टडी की है मेरे एरिया में ना, मैंने तकरीबन सारी स्टडी किया कि मेरे एरिया में दुकान कितनी है, 530 दुकान थी मेरे एरिया में, यानी कि सारी जो है ना अपना वो एक साइड में कवर की 530 दुकान थी। उसके बाद फिर 10-15 दुकानदारों से मैंने ये पूछा भी है, यानी कि इंटरव्यू भी किया कि आपकी मतलब डेली बेसिस पे ये चॉकलेट जो है ना ये कितनी सेल हो जाती है। एक दुकानदार ने बोला है भाई तकरीबन 2-3 बॉक्स हमारे डेली के लगते हैं। और हर किसी की ख्वाहिश है कि यार मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं जो कि मार्केट में ना हो, तो आज आपका भाई आपके लिए एक इस तरह का बिजनेस आइडिया लेकर आया है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, किसी स्किल की जरूरत भी नहीं है, अगर आपके पास जगह भी कम है तो आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। 2024 का बिल्कुल नया कारोबार है और डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। जब तक पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा होते रहेंगे इस कारोबार की डिमांड भी उतनी ही रहेगी। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, आज के बिजनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह, और इस बिजनेस की तमाम का डिटेल, रॉ मटेरियल, मशीनरी, आप कितना कमा सकते हैं, तमाम का डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी। जब अगर आपके पास एजुकेशन भी नहीं है, आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, ज्यादा पैसे भी नहीं है कारोबार करने के लिए, तो आप लोग छोटी सी जगह अपने घर के किचन से भी ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास है घर में कोई और जगह खाली नहीं है तो आप अपने किचन से छोटी सी मशीन, 2 फुट की मशीन रख के आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा इस वीडियो में साथ देंगे रहमान भाई। आप लोग पहले भी इनको सोशल मीडिया के ऊपर देख चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर देख चुके हैं, ये माशाल्लाह नया से नया बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं आप हैंड मार्केट के लिए। तो आज भी जनाब एक बड़ा बेहतरीन किस्म का बिजनेस आइडिया इनके पास, तो इनकी तरफ बढ़ते हैं और आज के बिजनेस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप हैंड मार्केट के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमान भाई, कैसे हैं? तो वैसे ठीक है, ठीक। अच्छा रहमान भाई, क्या बिजनेस है? अच्छा अच्छा सर, ये इस टाइम जो आपको नजर आ रही है चॉकलेट का बिजनेस, चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं। जी जी, वो बिजनेस है, ये वो बिजनेस है। अच्छा ठीक हो गया सर। अच्छा, चॉकलेट का बिजनेस शुरू करने के लिए सर बेसिक है मशीनरी, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए होगी? मशीनरी इसमें बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए, बहुत ज्यादा मशीनरी चाहिए, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। ओके, यहाँ के पीछे ये सिर्फ 1.5 by 2 की मशीन है। ओके ओके जी, ठीक है ठीक है। ये सिर्फ आपको मशीन चाहिए, चॉकलेट की स्लैब होगी। अच्छा, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, ये चॉकलेट स्लैब होगी, एक ये मशीन होगी, ठीक हो गया। और सर इसमें क्या क्या चीज़ है? इसमें जो है ना मशीन के जरिए मेल्ट हो गया, उसके बाद एक फिलर आपको चाहिए होता है, ठीक है, मशीन को वो अपना वो फिल करने के लिए ना। अच्छा ठीक है, फिलर आपको एक चाहिए। ओके ओके जी। उसके बाद आपको मोल्ड चाहिए। ओके ओके, मोल्ड चाहिए, तरह तरह के मोल्ड है। ये 10 रुपए वाला मोल्ड है। ओके जी। और ये 5 रुपए वाला मोल्ड है। अच्छा, डिफरेंट शेप के जो है ना, डिफरेंट शेप के मोल्ड है, मोल्ड साथ में प्रोवाइड करेंगे जिसमें बच्चों के इंस्ट्रक्शन भी पड़ेंगे, डिजाइनिंग भी डिफरेंट है जी। अगर आप इसे चाहते हैं, कोई मेरा बच्चा चाहता है कि हमें इलेक्ट्रिक मशीन चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक हीटर इसमें लगा देंगे। अगर कोई कहता है कि हमें जो है ना गैस गैस पे चलाना चाहता है, तो गैस है। बेसिक अगर गैस पे आप लगाते हैं तो आपको खर्चा कम पड़ता है। ठीक है। अच्छा, घर की गैस पे भी चलेगी? घर की गैस पे भी ये चल सकती है। एलपीजी पे चलाना चाहते हो तो चल, एलपीजी सबसे बेस्ट है। इतना कोई खर्चा नहीं होता, 100 या 150 की डेली तकरीबन 12 घंटे आप चलाते हैं, 100 या 150 की गैस लगती है। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसको हमें हीट देंगे, इसको गर्म कर दिया, उसके बाद ना हमें फिलर देंगे, इसको फिलर बोलते हैं जी। ये फिलर होता है। अच्छा ठीक है, ये मोल्ड के अंदर जो है ना हमें फिलर, ठीक है, वो आपको वीडियो स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रही है। इस मोल्ड के अंदर सर हमें इसको फिल कर देंगे। कितने देर के बाद ये प्रॉपर सेट हो जाएगी? तकरीबन प्रॉपर सेट होने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट लेती है, लेकिन आपने अपना एक टाइम सेट कर लेना 10 मिनट का ना। ठीक है, हर 10 मिनट फिल आपने करते जाना है। ओके, 100 मोल्ड या 10-20 मोल्ड, एक मिसाल है, बड़ा बिजनेस करना है तो ज्यादा मोल्ड आप लगा। ठीक है, वैसे अगर छोटा करना है तो 20 मोड़ लगाए, जब तक आपने लास्ट तक आना है, पीछे वाले सारे सूख जाएंगे।
छोटे छोटे टुकड़े काट के उसे चॉकलेट को उसमें पैक कर देना। अच्छा ठीक हो गया सर, अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन की तरफ कि एक बंदा या मतलब पहले तो बता दें कि इसके लिए स्टाफ कितना चाहिए होगा। एक बंदा इनफ है, एक बंदा इनफ है, वैसे अगर हेल्पर एक लग जाए तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, सरकार ऐसे चला सकता है, लेकिन अगर दो लग जाए तो वो समझ लेके ज्यादा अच्छा ग्रोथ पे आ जाएगा। ठीक हो गया सर, अब आते हैं सर इसकी प्रोडक्शन की तरफ। फर्स्ट करें कि दो बंदे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक बंदा जिसको मैन वगैरह कर रहा है, मैन का मशीन ऑटोमेटिक करती रही जी, ठीक हो गया हमारा काम इसको फिलिंग करना, एक बंदा फिलिंग करता है, ओके, एक बंदा पैकिंग करता है, पैकिंग करता है। अच्छा जो दो बंदे इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो सर एक दिन की कितने पीस बंदा इससे निकाल सकता है? अगर बंदा 8 घंटे काम करता है, ज्यादा नहीं काम करता, तो एक दिन में कितने पीस इससे तैयार हो सकते हैं? दो बंदे अगर आप लगाते हैं ना, एक बंदा डेली की तकरीबन 2 से 3 हजार पीस आराम से फिल कर लेता है। 2 से 3 हजार पीस इजीली। अच्छा हमारे लड़के बैठे ना ट्रायल करने, तो वो 2 घंटे के अंदर ना तकरीबन 600 पीस फिल कर लेते हैं। ठीक हो गया, यानी कि 3 से 4 हजार पीस है दो बंदे अगर बैठे हुए थे एक दिन में तैयार कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, 2 हजार वाले वाले 2 हजार पीस। अच्छा सर अब हम आते हैं सर इसकी प्रॉफिट मार्जिन की तरफ कि एक पीस से कितना तैयार होगा या एक पीस में कितनी प्रॉफिट होगी या एक पीस में खर्चा कितना आएगा, लेबर का बिजली का सारा खर्चा डाल के खर्चा कितना आएगा, या बॉक्स का हमें रेट बताना है, बॉक्स के हिसाब से बताना है, ये जार का जिस तरह बताना चाह रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन होता है जा रहे हैं। इसमें 5 रुपए वाला जो है 100 पीस पैक होगा, ओके, 5 रुपए वाला मोल्ड, उसमें चॉकलेट आप कैलकुलेशन भी मतलब कैलकुलेटर भी अपना बोल लें आपको समझ आ जाएगी। सर जो 5 रुपए वाली चॉकलेट है ना वो 4 ग्राम है, ओके, 1000 ग्राम होता है 1 kg, ठीक है, तकरीबन 250 पीस बनेगा आपका 1 kg, ओके ओके जी। ये आपको कितने रुपए की पड़ेगी? 2.50 रुपए की 5 रुपए वाली चॉकलेट पड़ेगी, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद आप ग्रेड पे अपना मार्जिन रखें, 100 रुपया यानी 100 पीस इसमें आता है ना, 250 का आपको इस जार के ऊपर आपने 250 रुपये कॉस्ट आ गई जी, 30 रुपये जार ये चीज़ों के लिए लगाना है, ठीक है, 120 रुपये अपना मार्जिन रखें आप, 100 रुपये आप दुकान लगा, ठीक है, दुकान को 5 रुपये की सेल होगी, सोने जैसे अब बचा गया ना वो 5 रुपये की चॉकलेट देगा, ठीक हो गया जी। अच्छा इसके ऊपर कॉस्ट आएगी 2.5 रुपये? हाँ, दुकान लगा के एक पीस के पीछे आप ले लेंगे यार बहुत कम मार्जिन है, लोग पैसों में भी काम करते हैं, आपको पता है इस चीज का, बड़ी कंपनियां बड़े जो बिजनेसमैन है वो पैसों में काम करते हैं, 1 रुपया 20-30 पैसे इसमें बहुत मार्जिन है, यानी कि 100 पीस का जार है ना, एक दुकानदार 5000 ले लेता है, तो 120 से 130 रुपए एक जार के पीछे आपको बच जाए, ठीक हो गया जी, होगी 5 रुपए वाली। अब आते हैं थोड़ी सी बड़ी है 10 रुपए की सेल होगी, 10 रुपए उसकी पे क्या मार्जिन है जी? 10 रुपए वाली चॉकलेट के ऊपर 6 रुपए खर्चा पैकिंग, ये बॉक्स की हर चीज उसके ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है, आपकी वो बॉक्स ने आपको जो है ना तकरीबन 250 रुपए मार्जिन, ठीक है, आपको बांधा दे देना मार्जिन एक जार के पीछे आदमी अगर इतनी जगह पे आप काम कर लेते हो ना स्टार्ट, तो ये सेल इसकी सेल की प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप 12-15 दुकान भी अपनी लगा लेते हो ना, आप सुकून की इज्जत वाली रोटी कमा। अच्छा आपके ख्याल से सर आपने बिजनेस आइडिया स्टार्ट करवाया तो उसमें आपने सर्च तो की होगी ना जी, आपके ख्याल से इसकी डिमांड है मार्केट में, ये सब चीजें कुछ है? बिल्कुल है, ये हमने पता नहीं इसकी प्रॉपर स्टडी की है मेरे एरिया में ना, मैंने तकरीबन सारी स्टडी की है कि मेरे एरिया में दुकान कितनी है, 530 दुकानें थी मेरे एरिया में, सारी जो है ना अपना एक साइड मैंने कवर की 530 दुकान थी, उसके बाद फिर 10-15 दुकानदारों से मैंने ये पूछा भी है, यानी कि इनका इंटरव्यू भी किया गया आपकी मतलब डेली बेसिस पे ये चॉकलेट जो है ना ये कितनी सेल हो जाती है, एक दुकानदार ने बोला है भाई तकरीबन 2 से 3 बॉक्स हमारे डेली के लगते हैं, छोटा कमरा लगा लो उसके कोने में आपका लग जाएगा, घर के किचन में लगा लो, बेडरूम के कोने में लगा लो, 10-10 जगह हो तो वहाँ पे सारी साफ हो जाएगा। कुछ पैकिंग के लिए थोड़ा सा एरिया चाहिए आपको, 3-4 फुट आपको 3-1 फुट चाहिए आपको ये फिलिंग करने के लिए, 2 फुट की जगह पे भी आपके लग जाएंगे जी, ठीक हो गया। अच्छा सर अब आते हैं कि सेटअप कितने में स्टार्ट होगा, मशीन और साथ आप मोल्ड कितने देंगे और साथ मटेरियल कितना देंगे और कितने बजे सेटअप लगेगा? एक हमने ये बनाया हुआ है पैकेज, 1,40,000 में मशीन प्रोवाइड करेंगे, ओके, एक फिलर देंगे, ठीक है, और 10 स्लैब देंगे आपको, ठीक है, और जो है ना अपना 100 पीस देंगे आपको, ठीक है, उसके बाद पैकिंग देंगे और 10 मॉडल देंगे एक डिजाइन के, 10 मॉडल देंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन 15,000 रुपये उसका वो पीस में इंक्लूड है,
अच्छा वो भी आप करवा देंगे? हाँ आपको करवा देंगे, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना वो भी हम आपको करवा देंगे, अपने वकील हैं प्रॉपर, आप चाहे रजिस्ट्रेशन बाद में चाहे कुछ करवाए, ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जो सर आप साथ मटेरियल देंगे उसमें तकरीबन कितने पीस तैयार हो जाएंगे? जो मैंने आपको 10 स्लैब की बात की है ना वो 20 किलो बनता है। अच्छा 20 किलो, ठीक है, जो वाले उसमें तकरीबन 5000 पीस तैयार हो जाएगा, 5000 का रॉ मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, साथ आप जार भी दे देंगे? जी जी साथ जार भी देंगे, जार लेना 100 पीस जार देंगे ना, 100 पीस तो बाकी किसी ने अलग से सेपरेट लेना हो रेट तो सारे मैं बता दूं, सेपरेट भी चीजें ले सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। जी हर चीज मिलेगी, जब कोई अगर दूर से भी हमारे पास आएगा रिहायश वगैरह भी देंगे, ट्रेनिंग उनको फ्री देंगे, लेना नहीं लेना वो एक अलग चीज है, हमारा फर्ज है जुमे और इतवार वाले दिन हम प्रॉपर जो है सिर्फ ये इन्हीं चीजों की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है सर, कितनी देर में इसको चलाना बंदा सीख सकता है? 2 घंटे में प्रॉपर पता ट्रेन हो जाएगा। जी जी अच्छा, ये पिछली मशीन आपके साथ कितनी रहेगी? सर ये यूपीएस में चल रही है। अच्छा बैटरी में भी चल रही है? जबरदस्त, सोलर में भी चल रही है। सर्दियों में ये जो बंदा कमा रहा होता है ये बना रहा होता है उसका हर दिन समझ लो ईद जैसा होता है, उसकी ईद आइया होती है सर्दियों में। गर्मियों में भी ये चलती है, सर्दियों में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। गर्मियों में रुकती नहीं है, गर्मियों में भी मुसलसल चलती रहती है। लोगों को पता क्या होता है कि ये मेल्ट हो जाती है, मेल्टिंग जो वो होता है ना फार्मूला अलग होता है, हार्ड चॉकलेट होती है ना वो मेल्टिंग होती है, जो नरम चॉकलेट होती है वो मेल्ट हो जाती है। दुकानदार अपने पास छोटे छोटे फ्रिजर भी रखे उसमें वो चॉकलेट वो मेल्टिंग, ये जो अपने दिमाग में ये चीजें बिगा रहे हैं कंपनियां चला रही है कमा रहे हैं, अपना वो जो नेगेटिव पॉइंट है ना अपने माइंड में बिठा लेते हैं सबसे पहले आप निकाल दें, गर्मियों में भी ये चलने वाला बिजनेस है। और कोई चीज को आप बताना चाह रहे हैं जो हम आपसे पूछना भूल गए, मुझे हम आपसे ना पूछ सके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पब्लिक की तरफ से मेरे साथ सर कोशिश हम यही करते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हमारी वीडियो देखते हैं जो भी ज़हन में क्वेश्चन होते हैं वो तमाम तरह पूछे, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये नाम बंदा जैसे हमें ऐसा लग रहा है अक्सर हमारे पास कस्टमर आते हैं वो यही बिल्कुल सवाल करते हैं जो आपने। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, अगर फिर भी आप लोगों के जेहन में कोई चीज़ हो कुछ आप पूछना चाहते हो इस बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर रहमान भाई का टच नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनसे डिटेल ले सकते हैं, लोकेशन भी आपको शो हो रही है, आप इनकी फैक्ट्री पे आ सकते हैं, इनकी वर्कशॉप आ सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, इस बिजनेस के बारे में तमाम हर डिटेल आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं तक एंड करना चाहते हैं जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, हो सकता है आपके अलावा किसी और को भी इस तरह के कारोबार की जरूरत हो, आपके शेयर करने से उसका भी भला हो जाए और आपको उसका सवाब मिले। तो आज की वीडियो को यहीं तक एंड करना चाहते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से दूसरों का ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।